हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमारे पास बहुत सारे जैब एस्पिरेंट्स की सजेशंस क्वेरीज हमारे पास पहुंची और एक जो बहुत कॉमन क्वेरी मुझे वहां देखने को मिली दैट वाज रिलेटेड टू द टाइम कंस्ट्रेंट दैट मेनी ऑफ द जैब एस्पिरेंट्स फेस। और इस वजह से बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि सर क्या ये जरूरी है कि हम चारों जैब एग्जाम के पेपर्स को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करें? हम क्या दो दो सब्जेक्ट करके एक साइकिल के साथ दूसरी साइकिल जोड़ करके टू सेट्स ऑफ साइकिल्स में हम क्या अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? यानी कि जो मई का एग्जाम हो रहा है उसमें हम दो सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर करें और जो दो सब्जेक्ट्स हमारे बचे उसको अक्टूबर के एग्जाम के अंदर हम लोग क्लियर करें। तो क्या ये स्ट्रेटजी फिजिबल है फॉर द जैब एस्पिरेंट्स? तो इसी क्वेरी का आंसर करते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं कि यस दिस इज एब्सोल्युटली फिजिबल। बट देखिए बेस्ट वे इज ऑब्वियसली टू क्लियर ऑल द फोर पेपर्स इन वन अटेम्प्ट। जब आप पहली बार एग्जाम देने जाएं और चारों सब्जेक्ट्स को आप लोग क्लियर कर लें उससे बेटर तरीका तो और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर आपकी दो जो चीजें हैं वो आपको मदद करती है। पहला क्या है? टाइम। एंड दूसरा है प्रायर नॉलेज ऑफ द कंपोनेंट्स दैट यू आर गिविंग द एग्जाम्स फॉर। अगर आपके पास टाइम मैनेज हो सकता है आप अपने वर्क आवर्स के अलावा भी सुबह और शाम को टाइम निकाल सकते हैं और टाइम भी छोटा मोटा टाइम नहीं, एटलीस्ट हर पर डे आप 4 आवर्स अगर निकाल सकते हैं तब आप चारों एग्जाम्स की तैयारी जो है चारों पेपर्स की जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हो एंड यू कैन वेरी वेल क्लियर ऑल द फोर सब्जेक्ट्स। इसके साथ अगर आपको प्रायर नॉलेज है किसी एक कॉम्पोनेंट की, आपका अकाउंट्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रायर नॉलेज एग्जिस्ट करता है या जो इंडियन इकोनॉमी या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसका प्रायर नॉलेज आपके पास है तो ऑब्वियसली वो आपको मदद करेगा और आपको कम सिलेबस कवर करना पड़ेगा, कम रिवीजन करनी पड़ेगी और आप चारों पेपर्स को एक बार में ही क्लियर कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो प्रायर नॉलेज ना होते हुए भी एम्पल टाइम लगा करके मेहनत करके चारों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके निकलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप चारों पेपर्स को एक ही बार में क्लियर करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, आपकी जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक है, इसके अलावा और दूसरे आपकी कमिटमेंट्स हैं एंड यू कैनॉट मैनेज ऑल द फोर सब्जेक्ट्स इन वन टाइम, तो आप लोगों को दो सब्जेक्ट्स आउट ऑफ फोर जो है वो चूज करने की जरूरत होती है। लेकिन वो चूज कैसे करेंगे? तो आपको यहां पर ध्यान होगा कि आप लोगों को जैब एग्जाम के अंदर दो सब्जेक्ट जो है वो नए ऐड किए गए हैं और दो सब्जेक्ट्स आपके पुराने एग्जिस्ट करते हुए चले आ रहे हैं। जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका पीपीबी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है और आपका अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स है। एएफएम का हालांकि सिलेबस जो है वो चेंज किया गया है, कुछ नए चैप्टर्स इसके अंदर जोड़े गए हैं, सो अगेन एएफएम इज नॉट एंटायरली न्यू। लेकिन अगर हम बात करें IEIFS इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की, तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे लिए बिल्कुल नए जो है वो जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को आपको स्क्रैच से प्रिपेयर करना है तो स्ट्रेटजी कैन बी यू पिक वन ऑफ द ओल्ड सब्जेक्ट्स एंड वन ऑफ द न्यू कंपोनेंट्स और उन दो पेपर्स को आप एक साइकिल में प्रिपेयर करें और नेक्स्ट साइकिल के लिए जो रिमेनिंग टू सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लोग पिकअप करें। लेकिन एक कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे? कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यू हैव टू सी कि क्या सिमिलैरिटी इन द कंटेंट है इन द टू पेपर्स यू आर पिकिंग, क्योंकि जो आप तैयारी करेंगे क्या वो आपकी तैयारी मतलब सिंक्रोनिसिटी में होगी? क्या दोनों सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे तो क्या वो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? इसके अलावा आप देखेंगे कि बल्किनेस ऑफ सिलेबस कितना है। अगर आपने दो कंपोनेंट्स ऐसे पकड़े जो सबसे ज्यादा बल्की कंपोनेंट्स हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम वहीं पर वेस्ट हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल के अंदर जहां पर दो कंपोनेंट्स आपने पकड़े जिनका सिलेबस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा छोटा है, तो वहां पर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा रहेगा। तो आप ऐसे कंपोनेंट चुनिए जो एक बल्की हो और एक शॉर्टर इन लेंथ हो एक साइकिल के लिए, राइट? और सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट्स का। लेकिन ये होगा कैसे? तो यहां पर मैं आपको रेकमेंड कर देता हूं दैट बेस्ट कॉम्बिनेशन कैन बी दैट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और IEIFS, ये दो कंपोनेंट्स आप पकड़िए। इसमें आपका IEIFS आपका नया कंपोनेंट है, AFM के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिले हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन जहां पर नया सिलेबस इन दोनों कंपोनेंट्स का आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज वेरी वेल यू नो डॉक्यूमेंटेड कि अगर दोनों नए कंपोनेंट्स हैं और आप इनकी तैयारी कर लेते हो तो आप बल्कि भी नहीं है दोनों तो आप इनको एक बार में क्लियर कर सकते हो, राइट? लेकिन अगर मैं बात करूं PPB की और RBWM की तो PPB इज अ वेरी बल्कि कंपोनेंट, यहां पर आपको बहुत ज्यादा जो है सिलेबस देखने को मिल रहा है। IEIFS में भी सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा है। अगर आप सोर्स बुक्स देखेंगे तो IEIFS की जो बुक है वो सबसे बड़ी है, राइट? उसके बाद PPB की बुक है और RBWM जो अगेन एक बहुत टेक्निकल कंपोनेंट है वो आपके PPB के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है बिकॉज इन बोथ बैंकिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग आपको बहुत सारी चीजें जो है वो एक जैसी देखने को मिलेंगी। तो जो तैयारी आपकी होने वाली है सिलेबस भी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा आपको सिमिलर सा देखने को मिलता है, राइट? सो दैट इज व्हाई आई हैव ग्रुप्ड दीस टू टुगेदर एंड दीस टू टुगेदर। और अगर आप दो सब्जेक्ट्स को एक बार में फॉलो करना चाहते हो तो AFM एंड IEIFS को एक बार पकड़िए और दूसरा आप RBWM और PPB को पकड़ के आप दूसरी अटेम्प्ट में अपना पूरा जैब का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये है मेरी स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए भी करंटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम एडुटैब इज दैट हम
AFM और IEIFS ये दो कंपोनेंट्स आपके साथ जो है साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करेंगे, और इसके लिए सीरीज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर हम MCQs के फॉर्म में इन दोनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली ऑन आवर YouTube चैनल, राइट। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू प्रोवाइड यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपकी जो क्वेरी है, डाउट है रिगार्डिंग दी टू कंपोनेंट स्ट्रेटजी वो सॉल्व हुई होगी। इसी के साथ कोई भी सजेशन, क्वेरीज, फीडबैक अगर आपको है रिगार्डिंग दी जैब एग्जामिनेशन एंड हाउ वी कैन हेल्प यू acing this particular exam, you can drop your suggestions at hello@edutab.co.in, right? So thank you, padhte rahiye, jai hind and jai bharat.